वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 वी विल डिस्कस राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली दो प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना जरूरी है। वी मस्ट नो फर्स्ट क्या है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज एंड द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड इट्स लेंथ्स। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ये 90 डिग्री का होता है। इसमें ये जो रेखा होती है, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल कौन सा है, ये है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो साइड की जो दो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, इनको बोलते हैं लेग्स। नंबर टू, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या होती है? शॉर्ट में समझ लीजिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी ये जो लाइन है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन इट्स लेग्स। ये दोनों साइड है, इसके स्क्वायर है, उसके जोड़ के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इफ ए ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल्ड, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड। ये प्रॉपर्टी जो है, ये नियम तभी लागू होगा जब ट्राइंगल राइट एंगल्ड होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू डिसाइड वेदर ए गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ऑर नॉट। ये सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए होता है कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है या नहीं है। अब देखिए, हम क्वेश्चन एक पे जाते हैं जहां से हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, PQR इज ए राइट एंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे PQR, ठीक है, ये राइट एंगल है। मतलब ये जो कोण है, ये 90 डिग्री का है, P पर 90 डिग्री है। PQ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू जो लाइन है ये इतनी 10 सेंटीमीटर, और पी आर इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। तो फाइंड क्यू आर, आपको बताना है ये इसकी लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड क्यू आर, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है। क्यू आर जो है, ये दोनों जो साइड होती है PQ, ठीक है, PQ इसका स्क्वायर करेंगे प्लस PR इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, QR का स्क्वायर आएगा, QR का स्क्वायर आएगा। यहां PQ कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस PR कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, QR स्क्वायर आएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया 100, 24 का स्क्वायर किया, 24 को 24 से मल्टीप्लाई है तो कितना आया 576, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर। 24 को गुणा किया हमने, 24 चौक छिण में, ठीक है, और 48, तो ये हो गया 576 हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 676। ये क्या है, पी क्यू आर स्क्वायर है, क्योंकि ये क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर है, इसलिए क्यू आर कितना होगा, ये 676 का अंडर रूट, स्क्वायर को हम यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर हटा दिया तो इसका भी जो है, हम इसको भी हम जो है रूट करके इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो देखिए क्या होगा, 676 का इसको अंडर रूट किया तो कितना आएगा 26, ओके। तो क्यू आर की जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में, ये इंग्लिश में दिया हुआ है और इसके बाद में ये हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको राइट, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको बड़ी साइज में पढ़ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।